अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी केटी और ये है मेरी दुनिया। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत से होंगे। और कैसा रोज़ा जा रहा है आप लोगों का? इंशाल्लाह अल्लाह आपको हिम्मत ताकत दे, हौसला दे और अच्छा ही रोज़ा जाए इंशाल्लाह। सारे आपके अल्लाह पाक आपके रोज़ों को, इबादतों को और दुआओं को कबूलो मंजूर फरमाए इंशाल्लाह आमीन। अभी मैं फ्री बैठी थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बना लिया जाए और आपसे बातें कर ली जाए। तो बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कैसे सहरी की, क्या क्या अफ्तारी में था कल और कैसे तबीयतें रही आपकी, पानी किसने ज़्यादा पिया अफ्तार के बाद, सहरी पे किसने ज़्यादा बॉटल्स भर भर के पानी पिया है और कैसे रोज़ा रहा आप लोगों का। माशाल्लाह जो रखने वाले होते हैं वो तो रख ही लेते हैं, हिम्मत ताकत अल्लाह दे ही देता है, और जो नहीं रखने वाले होते हैं उनके पास भी 100 बहाने होते हैं ना रखने के, और जो रखने वाले होते हैं उनके पास 100 बहाने होते हैं रखने के। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत से होंगे। अब थोड़े दिनों बाद फिर की बात होगी, ईद की तैयारियाँ हो गई, ईद की क्या तैयारियाँ हो रही हैं जी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ये शेयर किया जाए। ये मैंने अभी न्यू क्लॉक मंगाई है और अब ये तेज़ी से वक्त आगे की तरफ रवा दवा है। आज दूसरा रोज़ा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जब ब्लॉग बनाएंगे तो कहेंगे कि आज आखिरी रोज़ा है। तो वक्त ऐसे ही गुजर जाता है, ज़िंदगी का वक्त भी ऐसे ही गुजारा है, तो क्यों ना अल्लाह को राज़ी करके हम ज़िंदगी का वक्त गुजार लें, क्योंकि मौत तो बरहक है, उसको तो आना ही है। तो अल्लाह पाक हमें सेहत कामला अल्लाह वाली लंबी ज़िंदगी दे, किसी का मोहताज ना करे और मरते वक्त कलमा नसीब करे इंशाल्लाह आमीन। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ और दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।